उसने कोई तकरीर की, उसको उठा के धोप में उसको उसको डाल दिया गया है रिमांड के अंदर। अब पीटीआई का स्पोक्समैन रिमांड पर है 2 दिन के लिए, उसकी टोकाई लगेगी। अब क्या वो अपना स्टेटमेंट चेंज करता है ये तो 2 दिन के बाद पता चलेगा, क्योंकि रिमांड का मतलब ये है कि आदमी को फिजिकली वो टेस्ट करते हैं बंदे को। नहीं आप बताए ना क्या होगा, आप तो तजुर्बा रखते हैं। मैंने ये कहा ना कि देखते थर्ड डिग्री लगाते हैं, फोर्थ डिग्री लगाते हैं, एक डिग्री में काम हो जाता है या बातचीत में, कभी कभी मुलजिम बात में सब कुछ बोल देता है। देख यार दो तरीके तेरे पास, एक नरम एक गरम, तू क्या चाहता है किस तरह तुझसे बात करे, चाहे तो थोड़ी सी सख्ती कर सकते, थोड़े नाखून निकाल देंगे तेरे आगे पीछे करेंगे, थोड़ा सा डंडा डाल देंगे, तो बोल तू क्या चाहता है, तू अगर बर्दाश्त कर सकता छू होते तो जो जो जिसके पास एहसाब नहीं होता ना एहसाब, वो बोल देता है नहीं यार मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, मैंने ये काम इसलिए कि अगर वो पक्का है। मगर पहले तो आप ये कह रहे हैं कि शेर अफजल मरवत ही है जो पब्लिक को बाहर निकाल सकता है, मगर शुरू में तो सुनने में आया था कि शेर अफजल मरवत को जो है ना सही नहीं था, उन्होंने आके मीडिया में उनके ही लोगों ने आके बात की कि जी वो सही, हमने शामिल तो किया था पार्टी के अंदर, जब हमें उनके बारे में बाद में पता चला कि वो किसी मकसद के तहत आए थे, उनका अपना मकसद था जिसके तहत उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, तो इस वजह से हमने निकाल दिया उनको। जी इन्होंने देख लिया पिछले 2 महीने 3 महीने के अंदर, आपने देखा हमने देखा पूरे पाकिस्तान ने देखा कि क्राउड को रोड पे कौन लाया था, किसने पब्लिक को रोड पे लाया। आज उसने बहुत बड़ा जलसा भी किया फ्रंटियर के अंदर। अब इससे क्या वो एस्टेब्लिशमेंट की बुनियादें या हुकूमत की बुनियादें हिला सकता है, ये बड़ा सवाल है। क्या बुनियाद क्या सही है साहब, मगर सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब वो पार्टी से निकाल दिया उन्होंने कहा वो अपना कोई मकसद था, शेर अफजल मरवत का मकसद था, हमें बाद में पता चला उनके अपने कारकुनों ने कहा कि हमने पार्टी से निकाला था, उनका अपना मकसद था जिस मकसद को वो लेकर आए थे, तो हमें बाद में पता चला कि उनका क्या मकसद था। दो बातें होती है, एक निकालना एक होता है पॉज करना, उसे पॉज किया गया। अब उसको क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? अरे बिल्कुल ठीक ठाक, अभी आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आप बताइए कि अभी जो है ना पाकिस्तान में पीटीआई इमरान खान को कितने टाइम तक जेल में रखा जाएगा, इसलिए बहुत टाइम के बाद आप आए, तो मेरा टॉपिक तो दूसरा है, मगर मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ क्या इमरान खान को रिलीफ मिलेगी नहीं मिलेगी, इमरान खान ने अपना बयानियां भी चेंज कर दिया, वो मुजाकरात करने के लिए तैयार है फौज के साथ, उन्होंने कहा फौज का कोई अब बंदा मुकर्रर कर दें तो हम उससे मुजाकरात कर सकते हैं, तो आप बताइए कि क्या देखते हैं आप पीटीआई का मुस्तकबिल इस वक्त, और शेर अफजल मरवत को पहले पार्टी से निकाल दिया, आप दोबारा पार्टी में ज्वाइन किया गया तो क्या मतलब है? जरा रुक जाएं एक सेकंड चौधरी साहब जरा चुप रहिएगा, जरा बहुत दिनों के बाद ये आए यूके से, मैं जरा इनका मैसेज लेना चाह रही हूँ। जी सर बोले। मैं देखें जो मुस्तकबिल है वो तो जब तक जमात है तब तक तो मुस्तकबिल रहेगा, लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है ये तो आप सब जानते हैं, बाकी फिलहाल तो खान साहब अंदर हैं, वो अंदर हैं, जब बाहर आएंगे तो सबको पता चलेगा, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि मिशन कोई खास उनके बारे में हो नहीं सकता जो हालात जा रहे हैं। तो यानी कि आप ये कहने जा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि खान साहब अभी तो बाहर आते हुए नजर नहीं आते, मैं कुछ लोगों का कहना है कि खान साहब शायद बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे, तो आपको आते हुए नजर नहीं आ रहे बाहर, आप तो पार्टी में है ना इसी? नहीं पार्टी में कोई हो या ना हो इसमें कोई नहीं, देखें हकीकत पे देखना चाहिए ना, बात तो इस वक्त जिस पे आ रही है हमारा मुल्क उसको हमने प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो ना जाके हम शख्सियात को प्रायोरिटी दें। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की कि हमें शख्सियात को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। शख्सियात की तरफ तो देखें, शख्सियात की तरफ तो जाना ही नहीं चाहिए, आपको मुल्क की 22 करोड़ आवाम को देखना चाहिए, अगर आप शख्सियात पे रहेंगे तो 22 करोड़ आवाम तो कहीं नहीं खड़ी हुई। जी 24 करोड़ आवाम इस वक्त एक न्यूट्रल बात है कि खान साहब अंदर हैं, वो अंदर जी उनके जो बंदे बाहर हैं पार्लियामेंट में वो हैं, लेकिन जो इस वक्त हुकूमत में है जिनके पास पावर है, देखना तो वो है कि वो मुल्क को कहां पे लेके जाते हैं। एक आध